हाँ जी, आज हम देखेंगे आईपीएल 2023 के बारे में। आईपीएल अभी अभी मैच हुए हैं उसके पूरे, तो आईपीएल के बारे में देखेंगे। आईपीएल से संबंधित जो भी हमें सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो देखते हैं क्या देखेंगे। आईपीएल 2023, आईपीएल 2023, आईपीएल इसके अंडर में काम करता है बीसीसीआई, बीसीसीआई, बीसीसीआई बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। इसकी स्थापना, बीसीसीआई की स्थापना 1928 में, 1928 में इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, मुंबई। और वर्तमान में इसके, बीसीसीआई की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? बीसीसीआई की वर्तमान में अध्यक्ष, वर्तमान में इसके अध्यक्ष है जो रोजर बिन्नी, रोजर बिन्नी, रोजर बिन्नी इसके अध्यक्ष है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। आईपीएल मतलब बीसीसीआई के अंडर में काम करता है और बीसीसीआई 1928 में इसकी स्थापना हुई और मुंबई मैं इसका मुख्यालय और रोजर बिन्नी इसके अध्यक्ष है। चलिए अब देखते हैं आईपीएल का, आईपीएल का थोड़ा सा इतिहास देख लगे। आईपीएल कब स्टार्ट हुआ, किस ईयर में स्टार्ट हुआ? तो आईपीएल, आईपीएल, आईपीएल कब स्टार्ट हुआ? 2008 में, 2008 में ये स्टार्ट हुआ। और 2008 में स्टार्ट होने के बाद इसका पहला विजेता, 2008 में जब स्टार्ट हुआ था तो विजेता कौन सी टीम बनी थी? राजस्थान रॉयल्स। और उप विजेता, उप विजेता चेन्नई सुपर किंग्स, सीएसके। ठीक है, और इसके किसके योगदान से आईपीएल स्टार्ट हुआ? इसमें एक प्रमुख व्यक्ति का जो अभी भारत में नहीं है, आप सब लोगों ने उनका नाम सुना होगा और वो भी बाहर रह रहा है, उनका नाम है मनी लॉन्ड्रिंग केस में ललित मोदी। इनका प्रमुख योगदान रहा है आईपीएल स्टार्ट करवाने में। चलिए इसके आगे अब 2023 के हम आईपीएल के बारे में चर्चा करते हैं। 2023 का जो आईपीएल था ये क्रम में 16वां, 2008 से स्टार्ट हुआ था, क्रम में ये 16वां, क्रम में ये 16वां आईपीएल है। गिन लीजिए आप, 2008 में पहला हुआ तो 2023 में 16वां आईपीएल था ये क्रम में। इस बार विजेता, विजेता कौन सी टीम रही इस बार? आप सबने मैच देखा होगा, आप सब क्रिकेट प्रेमी हैं, देखते रहते हैं आप, भले बाकी कुछ हो नहीं हो, क्रिकेट मैच तो देखना ही है। विजेता कौन सी टीम थी? सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स। उप विजेता, उप विजेता, उप विजेता कौन सी टीम है? जीटी, गुजरात टाइटंस। ठीक है, और मैच हुआ, विजेता चेन्नई सुपर किंग्स रही और उप विजेता गुजरात टाइटंस रही। ये किस स्टेडियम में खेला गया? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। जो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। और कुल मैच इस आईपीएल में, कुछ कुल मैच कितने हुए? 74, 74 मैच हुए आईपीएल में। चलिए कुल मैच 74, और टीम को खिताब मिला है, लिखिए, लिख सकते हैं आप, कोई मना नहीं है लिखने का। सर्वाधिक बार, सर्वाधिक बार खिताब जीतने वाली टीमें कौन सी है? सर्वाधिक बार जीतने वाली टीमें हैं मुंबई इंडियंस और सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स। मुंबई इंडियंस ने
2013, 2015, 2017, फिर 2019, उसके बाद 2000, उसके बाद 2020, 5 किताब इसने जीते हैं। मुंबई इंडियंस ने 5 किताब जीते हैं और चेन्नई सुपर किंग्स ने भी अभी ये किताब जीतकर, चेन्नई सुपर किंग्स ने भी मुंबई इंडियंस की बराबरी कर ली है। चेन्नई सुपर किंग्स ने किताब कब कब जीते हैं? तो चलिए, चेन्नई सुपर किंग्स ने किताब जीता है 2010, 2011, फिर 2011 के बाद 2018, फिर 2018 के बाद, और 2023, 2018 के बाद 2021 और 2023। चलिए, तो ये था इनके खिताब जीतने का क्रम। इसने भी 5 बार जीता है, सबसे ज्यादा बार दोनों टीमों ने जीता है। इसने 2013, 15, 17, 18, 19 और 20, और इसने जीता 10, 11, 18, 21 और 23। तो इस बार जो मैच हुआ बारिश के कारण धुल गया था, इसलिए डकवर्थ लुईस नियम, डकवर्थ लुईस, डकवर्थ लुईस नियम के तहत, डकवर्थ लुईस नियम के तहत नियम और रिजर्व डे पर मैच का फैसला। फिर दूसरा दिन हुआ, उस दिन बारिश आने के कारण आप लोग सब देख ही रहे होंगे। चलिए, पहला मैच इस आईपीएल 2023 में, पहला मैच भी जीटी वर्सेस सीएसके कहां पर हुआ? अहमदाबाद में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। पहला मैच भी इनके बीच हुआ और फाइनल मैच भी इन दोनों टीमों के बीच में हुआ। चलिए, और इसमें इस बार कुल 10 टीमों ने भाग लिया। कुल 10 टीमें थी, कुल 10 टीमें, ठीक है। इससे पहले इसमें 8 टीमें थी, और 2022 में इसमें 2 टीमों को शामिल किया गया। 2022 में 2 टीमों को शामिल किया गया। वो 2 टीमें कौन कौन सी थी? एक तो थी गुजरात टाइटंस और एक थी लखनऊ सुपर जायंट्स। ये 2 टीमें थी, और गुजरात टाइटंस 2022 में इसने खिताब जीता था। गुजरात टाइटंस विजेता थी 2022 की, और उप विजेता राजस्थान रॉयल्स उप विजेता थी 2022। चलिए आगे देखते हैं। और आईपीएल में एक विजेता टीम को, जो विजेता होता है आईपीएल, उसको विजेता को कितने पैसे मिलते हैं, राशि कितनी मिलती है? राशि उसको दी जाती है 20 करोड़, 20 करोड़ की राशि विजेता को मिलती है। और उप विजेता को 12.5 करोड़, 12.5 करोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा पर्पल कैप, सबसे पहले ऑरेंज कैप, ऑरेंज कैप किसके पास थी? ऑरेंज कैप थी शुभमन गिल, सबसे ज्यादा रन बनाए इसने, मतलब शुभमन गिल इसने कितने रन बनाए? 890 रन, ठीक है। फिर पर्पल कैप थी मोहम्मद शमी के पास, मोहम्मद शमी इन्होंने 28 विकेट लिए, ये रन रन बनाए इन्होंने, और
ये कौन से टीम से है? शुभमन गिल, शुभमन गिल गुजरात टाइटंस से है, और इनकी 28 विकेट, और इनकी कौन सी टीम है? ये भी गुजरात टाइटंस। ठीक है, गेम चेंजर ऑफ द टूर्नामेंट, गेम चेंजर, गेम चेंजर, गेम चेंजर ऑफ द टूर्नामेंट, ये किसको दिया गया? गेम चेंजर ऑफ टूर्नामेंट शुभमन गिल, ये भी शुभमन गिल को दिया गया। ठीक है, गेम चेंजर ऑफ टूर्नामेंट शुभमन गिल। ये देखिए, फेयर प्ले अवार्ड दिल्ली डेयरडेविल्स को दिया गया, और विजेता को 20 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, और उप विजेता को 12.5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। ऑरेंज कैप इस बार 2023 की शुभमन गिल के पास थी, इन्होंने 890 रन बनाए और ये गुजरात टाइटंस टीम में थे। पर्पल कैप मोहम्मद शमी, 28 विकेट, और ये भी गुजरात टाइटंस टीम में। गेम चेंजर ऑफ द टूर्नामेंट ये भी शुभमन गिल, ठीक है, ये भी गुजरात टाइटंस। भाई 2023 में ये भी आ सकता है कि सबसे लंबा छक्का किसने लगाया, सबसे लंबा छक्का, सबसे लंबा छक्का किसने लगाया? फाफ डुप्लेसिस, फाफ डुप्लेसिस। ये कौन से टीम से है? आरसीबी, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। इसके अलावा इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, इमर्जिंग प्लेयर, इमर्जिंग प्लेयर कौन है? इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट यशस्वी जायसवाल, यशस्वी, यशस्वी जायसवाल। ये कौन से टीम से है? ये राजस्थान रॉयल्स से। फिर कैच ऑफ द टूर्नामेंट, कैच ऑफ द टूर्नामेंट, कैच ऑफ द टूर्नामेंट, कैच ऑफ द टूर्नामेंट कौन है? राशिद खान, कैच ऑफ द टूर्नामेंट राशिद खान। ये कौन से टीम से? गुजरात टाइटंस। ये कौन से टीम से? गुजरात टाइटंस। और आईपीएल 2023 का स्पॉन्सर, टाइटल स्पॉन्सर कौन था? टाइटल स्पॉन्सर टाटा, कौन था? टाटा, टाटा स्पॉन्सर था, टाइटल स्पॉन्सर। इसके अलावा फाइनल मैच में, जो आईपीएल 2023 का फाइनल मैच में मैन ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द मैच, सॉरी, फाइनल में मैन ऑफ द मैच फाइनल में मैन ऑफ द मैच फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन था? कॉनवे, डेविन कॉनवे, डेवॉन कॉनवे, डेवॉन कॉनवे, सीएसके। कौन से टीम से थे? सीएसके, डेवॉन कॉनवे। फाइनल मैच में रविंद्र जडेजा ने 2 बॉल में 10 रन बनाए थे, तो ये मत करने दे, कर देना कि फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच कौन था, तो डेवॉन कॉनवे ये थे, ठीक है, रविंद्र जडेजा नहीं थे। सर्वाधिक शतक इस आईपीएल में, सर्वाधिक शतक, सर्वाधिक शतक शुभमन गिल, शुभमन गिल, शुभमन गिल, कितने हैं? 3 शतक। ये कौन से टीम से हैं? गुजरात टाइटंस। ठीक है, इसके अलावा आईपीएल में सर्वाधिक रन, आईपीएल में, आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक रन, आईपीएल में सर्वाधिक रन किसके हैं? आईपीएल में सर्वाधिक रन, आईपीएल में सर्वाधिक रन विराट कोहली, सर्वाधिक रन किसके हैं? विराट कोहली।
विराट कोहली। और सर्वाधिक विकेट, आईपीएल में सर्वाधिक विकेट, सर्वाधिक विकेट आईपीएल में सर्वाधिक विकेट किसके हैं, सर्वाधिक विकेट किसके हैं? युजवेंद्र, युजवेंद्र चहल, सर्वाधिक विकेट युजवेंद्र चहल के हैं, ठीक है, आईपीएल के इतिहास में। और सर्वाधिक रन विराट कोहली के, ठीक है। तो ये था आईपीएल 2023, इसका टाइटल स्पॉन्सर टाटा, सबसे लंबा छक्का फाफ डुप्लेसी आरसीबी, और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट यशस्वी जायसवाल राजस्थान रॉयल्स, और कैच ऑफ द टूर्नामेंट रशीद खान गुजरात टाइटंस, और फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच डियोन कॉनवे, और सर्वाधिक शतक शुभमन गिल 3, और आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक रन विराट कोहली, और आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक विकेट युजवेंद्र चहल। चलिए, तो ये था आईपीएल के बारे में।